students, welcome to Primary Modeling School. I am going to teach you a English subject. So in previous lecture we have already completed glossary of this chapter. Okay. So now we are going to start with the exercise. So read the instruction given below. Answer the following questions in two or three lines. So students, ready with your books. Ready with your books and pen. You have to write instruction. मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखा है, पर आपको जो इंस्ट्रक्शन उसमें दी गई है, क्या इंस्ट्रक्शन? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन टू और थ्री लाइंस. Then you have to write. Okay? आपको पूरा लिखना है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन टू और थ्री लाइंस विद ब्लैक पेन. आप ब्लैक पेन से ही लिखोगे इंस्ट्रक्शन. यू हैव टू राइट विद ब्लैक पेन. देन आफ्टर इतना हो जाए आपका, उसके बाद आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर. ओके, सो नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट बुक आप क्या लिखोगे पहले? इन योर बुक यू विल राइट डेट, देन डे, आज की डेट लिखोगे, फिर डे, फिर लिखोगे यूनिट फोर, एम्परर, अकबर एंड द क्रोज, आप ये लिखोगे. देन यू विल राइट, फिर आप उसके नीचे स्टार बनाकर, यानी स्टार नहीं, आप क्वेश्चन वन करके लिखोगे. और सॉरी रविंद्र, व्हाट यू हैव टू राइट? क्वेश्चन नंबर वन. ओके, आप क्वेश्चन वन बना के लिखोगे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन टू और थ्री सेंटेंसेस. इतना हो जाए उसके बाद आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन यानी कि ए क्या है? हाउ डिड द कॉटियर्स बिहेव क्या है? मैं पहले एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लिख रही हूँ. ओके, फ्रॉम सेकेंड नंबर आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन. हाउ डिड द कॉटियर्स behave towards emperor Akbar. Okay, question mark. Then now you are going to write the answer. Okay, इतना question आप ब्लैक पेन से ही लिखोगे. ये हो जाए उसके बाद हम लिखेंगे आंसर. सो राइट डाउन द आंसर. द कॉर्टियर्स, राइट डाउन जैसे ए एन एस लिखकर आप लिखोगे द कॉर्टियर्स स्टॉप. The moment they saw saw the emperor. E will be capital in emperor. Okay, आप जब लिखोगे एम्पायर का स्पेलिंग यू हैव टू राइट द इनिशियल, यानी कि फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखोगे. ओके, दे स्टूड ऑन वन साइड ऑफ द पाथ एंड क्या किया था उन्होंने? बोर, यानी कि नीचे सर झुकाकर खड़े हो गए थे. तो क्या आएगा? बोर. बो का क्या हो जाएगा? पास्ट फॉर्म. तो वह क्या आएगा? बोर देयर हैंड्स, डी एच ई आई आर देयर हैंड्स, एच ई ए डी एस हैंड्स, यानी कि वो लोग अपना सर झुकाए नीचे.
that you will start with number 2. Okay, so now look at the board first. We will revise this question and afterwards we will start with the next number. Okay, so the question is, how did the courtiers behave towards Emperor Akbar? Jab courtiers ne Emperor Akbar ko dekha, to kaise behave kiya tha? So the answer is, the courtiers stopped talking the moment they saw the emperor. Kya kiya unhone? First, what they do? They stopped talking, यानी कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया. जो वो ग्रुप में बातें कर रहे थे, they stopped it. वो बोलते हुए बंद हो गए. Then after what will happen? They stood on one side of the path and bowed their heads. उन्होंने अकबर को देखा, यानी कि एम्परर को देखा, तो वो लोग एक साइड पर खड़े हो गए, एक पाथ में, यानी कि एक रो में खड़े हो गए, and bowed their heads, यानी कि सर झुकाए वो लोग खड़े हो गए. ओके, सो दिस इज योर आंसर नंबर 1. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आंसर 2. ओके, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन 2? व्हाट डिफरेंस, राइट डाउन. What difference did Birbal? देखो क्वेश्चन में भी बीरबल लिखा है तो वहां पे बी कैपिटल है. सो इन आंसर ऑल्सो व्हेन वी आर राइटिंग द वर्ड्स और द नेम्स ऑफ द पर्सन्स वी हैव राइट फर्स्ट लेटर कैपिटल. Point out between the courtiers, and the crows. Beautiful point.
pointed out that the crows did not know that, occur was an emperor and therefore did not go to him like the courtiers did okay, full stop. So this is your answer number 2. Copy this fast. Afterwards we will revise this and do start with the remaining numbers. Okay, so now look at the board first. The question is, what difference did Birbal point out between the courtiers and the crows? Difference kaun sa Birbal ne point out kiya? Crows aur courtiers ke dono mein se kisko differentiate kiya? So the answer is, Birbal point out that the crows did not know that Akbar was an emperor and therefore did not go to him like the courtiers did. Okay, Birbal ne kaise डिफरेंशिएट यानी दोनों में अलग करना को तो दोनों को कैसे अलग किया सो द आंसर इज बिबल पॉइंट आउट दैट द क्रोस डिड नॉट नो दैट अकबर वाज एन एम्पायर एंड देयरफॉर डिड नॉट गो टू हिम लाइक द कॉर्डियास डिड यानी कि बिबल ने ऐसा बोला कि क्रोस को नहीं पता है कि वो अकबर है यानी कि वो राजा है जब वो वहां पे
गए। इसी वजह से क्रो ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी। रिस्पेक्ट यानी उसके हेड को बो नहीं किया, नीचे सर झुकाए क्रोस खड़े नहीं होंगे। ओके, बिकॉज क्रोस को नहीं पता चलता कि वो राजा है कि कोई और है, इसी वजह से उन्होंने ये किया। ओके, सो दिस इज योर आंसर नंबर टू। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नंबर थ्री। Happy to answer our birds. Question. On the number. On the number. Of crows. Delhi. Question mark. How do you know? Do you know? Okay, so this is the question number three. We are going to write answer three. The courtiers were not happy. Write down answer number three. The courtiers. The courtiers were not. The courtiers were not happy with. Happy with the question. With the question. Full stop. They fell silent. Silent as soon as they heard the question. Okay, so this is your answer number three. Copy this fast, afterwards we will revise this.
So now look at the board first. Number 3 is where the country is happy to answer Akbar's question on the number of crows in Delhi. How do you know? The courtiers were not happy with the question. They fell silent as soon as they heard the question. Okay? क्या था क्वेश्चन कि कॉर्टियर्स जो थे वो लोग खुश थे अकबर ने जो उनसे सवाल किया उससे तो उसका आंसर क्या आएगा कि नहीं अकबर ने जो सवाल किया उससे कॉर्टियर्स खुश नहीं थे और जब अकबर ने उसे कोई सवाल पूछा तो वो लोग सामने सवाल नहीं कर पाए और वो साइलेंटली नीचे सर झुकाए खड़े हो गए ओके सो दिस इज योर आंसर नंबर 3. Now we are going to start with number 4. The king and the entire court, write down the answer. The king and the entire court burst into loud applause on hearing Birbal's reply. Birbal's reply. So now copy these answers first. Thank you.
Okay, so now look at the board. How did the courtiers and the Akbar react to Birbal's answer? Courtiers ne aur Akbar ne, yani ki courtiers ne aur King Akbar ne, kaise react kiya jab unhone answer suna, tab unhone kaise react kiya? So the king and the entire court burst into loud applause on hearing Birbal's reply. उन्होंने बहुत खुश होकर applause यानी तालियां बजाई. किसके लिए? बीरबल के लिए. Okay? So this are the question answers of lesson number 4. Okay? We have already completed question number 1 of chapter number 4. Okay? So now we are ending our lecture here. In the next lecture, we will start with the next exercise. Okay? जो answer in short paragraph है, उससे हमें शुरू करेंगे. Okay? So till the next lecture, stay safe, stay home, have a nice day.